प्रचार में जुटे बीजेपी के सांसद और एक्टर परेश रावल ने गुजरात में बीजेपी की जीत का भरोसा जताया। इंडिया टीवी संवाददाता आशीष सिंह के साथ बातचीत में परेश रावल ने राहुल गांधी के मंदिर जाने पर टिप्पणी की और कहा कि इसी बहाने राहुल मंदिर तो जाने लगे हैं। साथ ही फिल्म पद्मावती पर उठे विवाद पर उन्होंने किसी भी तरह के बैन को गलत बताया। कहा, विरोध से पहले फिल्म देखनी चाहिए। जी, एक चीज आप देख रहे हैं कि हम भी देख रहे हैं कि पूरी जान झोंक दी है भारतीय जनता पार्टी ने, आप जैसे बड़े बड़े सांसद, केंद्र के बड़े बड़े मंत्री, दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी के उपाध्यक्ष खुद मैदान में उतरे हुए हैं। इतने सारे लोगों को मैदान में झोंक देने, कहीं किसी बात का डर इस बार ऐसा नहीं? देखिए, क्या अगर भारतीय जनता पार्टी एनी इलेक्शन, कॉरपोरेशन का इलेक्शन, कोई भी इलेक्शन हो, बड़ा सीरियसली लेती है, क्योंकि हम जनता को सीरियसली लेते हैं, ये पावर को सीरियसली लेते हैं। लेकिन उनका तो इस बार ये कहना है कि बड़ी फॉर्मिडेबल अलायंस हो गई है, हार्दिक पटेल है, जिग्नेश मेवानी है, अल्पेश ठाकुर है, उससे बीजेपी डर गई। देखिए, हार्दिक पटेल साहब के बारे में तो खुद ही बता रहे हैं कि वो किस मकाम पे खड़े हैं। अब जाके उन्होंने बोल दिया कि मुझे तो अनामत नहीं चाहिए, मुझे भाजपा को हराना है। तो जो भाजपा की जो लॉलीपॉप थी वो उनको अच्छी नहीं लगी, उनको अपना अंगूठा अच्छा लगा, अभी खड़े हैं। आपने भी नोट किया होगा कि राहुल जी जब मैदान में उतरे हैं तो कल भी हमने देखा अंबाजी मंदिर गए, अक्षरधाम मंदिर गए, ये बार बार बीजेपी इसको मुद्दा बना रही है, इससे डर तो नहीं रहे आपकी? नहीं, इसमें बुरा क्या है? नहीं, बिल्कुल नहीं डर रहे हैं। और मजे की बात है कि चलो कम से कम मोदी जी का इतना असर तो हुआ कि राहुल जी मंदिर तो जाने लगे। ये राहुल जी को डर लग रहा है कि अब भगवान ही बचा सकता है, अब जनता पे से भी भरोसा उड़ गया, भगवान ही बचा सकता है। नंबर वन, नंबर टू, कम से कम मंदिर जाते राहुल जी को ये तो एहसास होगा कि हिंदू मानस क्या है, हिंदू लोग कैसे हैं, हिंदुत्व क्या है। कम से कम उनको मंदिर की अहमियत का तो पता चलेगा, आज नहीं तो कल उनको मंदिर के बारे में बोलना पड़ेगा कि भैया ठीक है राम मंदिर बनाइए। जीएसटी को लेकर के जो बड़े बड़े बदलाव किए वित्त मंत्री अरुण जेटली ने ऐलान किया, कांग्रेस पार्टी का आप लोगों पर आरोप है, मुख्य विपक्षी पार्टी का, कि देर से ही सही एहसास किया कि गलती हुई, उनके दबाव में आप लोगों को बदलना पड़ा। और आज तो रॉबर्ट वाड्रा ने खुद फेसबुक पर एक बड़ा लंबा चौड़ा पोस्ट डाला है और आप पर पॉलिटिकल ऑपर्चुनिज्म का चुनाव को देखते हुए आरोप लगाया। अभी रॉबर्ट वाड्रा साहब के बारे में हम क्या बताएं यार, बट जा बात जीएसटी के, तो मोदी साहब ने कहा ही था, पहले दिन से कहा था कि भैया जो ये डाल रहे हैं, और लेकिन अगर कुछ जरूरत पड़ेगी तो बदलाव लाएंगे, तो पहले दिन से कहा था, इसमें कोई डरने वाली बात तो आई नहीं।